हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आमिर सोहेल दिस साइड। सो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लीडरशिप से रिलेटेड। लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, लीडरशिप ट्रेनिंग, जो कि आज मैं लगभग एक घंटे का मेरा ये सेशन होगा। सो आज मैं आप लोग को हर एक चीज़ सिखाऊंगा कि लीडरशिप कैसे होते हैं और किस कैटेगरी के आपके टीम में कितने तरह के बंदे मिलेंगे और किस बंदे को किस कैटेगरी में आपको रखना है। सो इसी से रिलेटेड आज मेरा ये पूरा एक घंटे का प्रोग्राम होगा, जो आज मैं आप लोग को सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन से प्रोस्पेक्ट या कौन सी टीम आपके टीम में कौन से बंदे लीडर बन सकते हैं। सो ये पूरा वीडियो को आप लोग देखें अच्छे से, और अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें। सो थैंक यू। सो अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Yes, now you can start. Thank you, sir. Hello, guys. Good morning. Good morning, all of you. Myself, Amir Sohel from Mumbai. दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही important topic पे, जो कि leadership से related है. Leadership and duplication. ये जो business है, जो direct selling, network marketing, जो ये business है, वो एक leadership का ही business है. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे, छोटी पॉइंट को लेंगे इस बिजनेस से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वेबिनार। राइट, तो जैसा कि आप इस पे देख रहे होंगे, क्वांटिटी कम्स विद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में। कंटिन्यू बेसिक पे अगर आप काम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेंगे। एंड क्वालिटी कम्स विद राइट फोकस। क्वालिटी तभी आएगी आपके आपके लीडर में जब तक ये राइट फोकस ना हो, एक अच्छा फोकस नहीं हो। अगर आप में से किसी का म्यूट नहीं है तो प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को, बिकॉज इससे कैसा होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बनेस होता है। तो अपने आप को अनम्यूट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप में से किसी का भी, साकिब जी एक बार आप देख ले अगर किसी का ऐसा है तो। बिल्कुल, हम चेक कर लेंगे। अगर कोई अपने आप को बार बार अनम्यूट करेगा, मीटिंग के बीच में प्रॉब्लम करेगा, उसको हम मीटिंग से रिमूव भी कर सकते हैं या फिर उसको म्यूट कर देंगे। तो सभी ध्यान रखें कि मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, ध्यान से मीटिंग को अटेंड करे डायरी और पेन के साथ। यस सर, क्योंकि सारे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग डेप्थ, क्वांटिटी कम्स विद कंसिस्टेंसी। अगर क्वांटिटी में आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी होगा, देन आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बन पाएंगे या किसी भी बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। एंड क्वालिटी कम्स विद राइट फोकस। किसी भी बिजनेस में आपका राइट फोकस होना चाहिए, आपका एक फोकस के साथ काम होना चाहिए। आपने कभी आपने घोड़े को देखे होंगे, जो गांव घर में होता है, बेसिकली टांगने वाले जो घोड़े होते हैं, उसमें एक फोकस रहता है कि उनके आंखों के सामने लगा रहता है वो, जो कि वो सीधा सामने ही देखता है, ना कि आगे ना पीछे। तो हमारा भी एक फोकस होना चाहिए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, हमारा एक पर्पस होना चाहिए। राइट, डुप्लीकेशन कम्स विद राइट कोचिंग। कोचिंग सेंस की मतलब जो आप सीखते हैं, राइट, जो आप मतलब में से अपने अपलाइन के, अपने मेंटर के थ्रू जो सीखते हैं कि डुप्लीकेशन कैसे किया जाए, वो एक राइट, एक अच्छे से आप मतलब में से जो भी आपके अपलाइन है उनसे अच्छे तरीके से आप सीखेंगे डुप्लीकेशन वो कैसे करें, वैसे आपको सीखना है, सीखे नहीं होते तो आपको सीखना है। एंड स्टेबिलिटी कम्स विद क्वालिटी डुप्लीकेशन। स्टेबिलिटी, जब टीम में आपके कोई अगर रुकेंगे तभी रुकेंगे जब उनको एक अच्छा डुप्लीकेट वो भी कर सके, तो वो क्वालिटी उनको सिखाना है। तो आइए जानते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, अंडरस्टैंड द रूल, रिमेंबर द 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब क्या हुआ? 80-20 रूल का मतलब ये है कि आपके जो 20%, मतलब कि 20 जो बंदे होंगे वो 80% आपका काम करेंगे। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये 20 जो है, ये 20 आपके लीडर हैं, ना कि फॉलोअर, और 80% वो फॉलोअर है। तो आपको 20% पे काम करना है, 20% पे ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक आपका 80% काम होगा। यहाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं सॉर्टिंग आउट द कैटेगरी। कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किए हैं कि कितने चार कैटेगरी के आपको बंदे मिल सकते हैं। हर एक टॉपिक पे हम अलग अलग तरीके से हम बात करेंगे। आइए जानते हैं, पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चार कैटेगरी में होते हैं आपके प्रोस्पेक्ट या डाउनलाइन, जिसको आप बोलते हैं। कैटेगरी ए में होते हैं जिनके पास बर्निंग डिजायर होती है। बर्निंग डिजायर का मतलब कि वो उस जो उनके पास सपने हैं, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता हो इस बिजनेस में, राइट, ऐसा डिजायर उनके पास होता है। वो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपकी बातें मानेंगे। उनके क्या क्या गुण हैं और भी क्या चीजें हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे हम लेंगे। एंड कैटेगरी बी वो होते हैं जो प्रोमाइसिंग तो होंगे, आपसे कमिट तो करेंगे,
बट डू नॉट टेक एनी एक्शन, बट वो कोई एक्शन लेंगे ही नहीं, राइट वो प्रोमाइसिंग करेंगे, आपसे प्रॉमिस करेंगे कि सर मैं करूंगा, सर मैं ये बिजनेस के लिए कुछ भी करूंगा, आप बताओ तो सही, जब आप बताओगे, जब आप सिखाओगे तो वो कोई एक्शन लेगा ही नहीं। तो ये कैटेगरी बी के बंदे आते हैं, एंड कैटेगरी सी वो होते हैं जो खुद डोंट वोटर अबाउट बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड उतना उनको लेना देना रहता नहीं है, बट कैन बी रेगुलर कंज्यूमर, मतलब लेकिन वो आपके कंज्यूमर हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर रहेंगे जो आपसे कंटिन्यू बेसिस पे प्रोडक्ट लेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट है वो रहेंगे, मतलब इनको हम एज ए कंज्यूमर बोल सकते हैं। आइए इनका भी हम देखेंगे डिटेल वाइज नेक्स्ट स्लाइड में। एंड कैटेगरी डी के वो बंदे होते हैं जो कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी हो वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, राइट मतलब कि ना वो प्रोडक्ट लेंगे ना वो मतलब काम ही करेंगे। इस तरीके के भी बंदे आपके टीम में हो सकता होंगे, या नहीं है तो आपकी टीम अगर बनेंगे तो शायद इस तरीके के भी बंदे आपको मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। एंड कैटेगरी ए के बंदे कैसे होते हैं वो हम समझते हैं। कोई भी एक आप बताएंगे आवाज अगर आ रही हो मेरी तो? आवाज आ रही है? यस आ रही है। हेलो, यस थैंक यू। जी जी, कैटेगरी ए के जैसा कि आप स्क्रीन आपको दिख रहा होगा राइट, कैटेगरी ए करके अंकित जी बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे आपका स्क्रीन राइट, बिल्कुल दिख रहा है। और एक मैसेज आया कि 80-20 रूल थोड़ा अच्छे से दोबारा बता दीजिए, तो आप उसको एक बार रिपीट कर दो। कोई इशू नहीं, मैं 80-20 आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। 80-20 एक्चुअली ये होता है कि 80 × 20, इसका मतलब ये होगा कि 20% जो आपकी टीम में जो लीडर होंगे ना वो 80% काम करेंगे, और 80-20 का मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो ये होता है कि 80% आपके टीम में फॉलोअर होता है और 20% ही लीडर होते हैं। लीडर वो होता है जो मतलब में से आपका 80% काम करेगा, लेकिन 80% जो बंदे वो ओनली 20% काम करेगा। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए ना वो 20% बंदों पे ज़्यादा होना चाहिए। 80% इसका मतलब ये नहीं कि 80% को भी छोड़ देना है, उससे भी करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम आपका कैटेगरी ए जो आप सामने देख रहे हैं इसका मैं अभी बताऊंगा उस पर होना चाहिए, मतलब कि जो आपके 20% बंदे हो लीडर हो उस पर होना चाहिए, राइट। तो इसी को हम 80-20 रूल बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैटेगरी ए का मतलब क्या होता है। कैटेगरी ए मतलब प्रोमाइसिंग प्रोस्पेक्ट, मतलब वो कमिटमेंट वाले प्रोस्पेक्ट होते हैं। ये बंदे खुद से बोलेंगे, ये बंदे प्लान दिखाते हैं, 100 बंदे को दिखाएंगे जिसमें से लगभग 50 बंदे मना कर देते हैं, फिर भी इनको बुरा नहीं लगता क्योंकि ये कमिटमेंट बंदे होते हैं, इनको क्योंकि ये कमिटेड होते हैं। दोज हु विल से यस, 50 पीपल हाँ बोलेंगे, 50 ना बोलेंगे। दोज हु विल मीट यू, एंड 30 बंदे आपसे मिलेंगे एंड 15 बंदे ज्वाइन करेंगे। और दोज हु विल वर्क, एंड 6 बंदे सिर्फ आपके साथ कमिटमेंट के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, बट ये 6 में से भी सिर्फ एक या दो बंदे ही लीडर निकलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको आपकी टीम में अगर 6 लीडर चाहिए तो कितने प्रोस्पेक्ट करने पड़ेंगे। आई थिंक आप लोगों को अंदाजा मिल गया होगा इस स्लाइड के अकॉर्डिंग, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लिख ले सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको। कि मैं एक बार और फिर से समझाना चाहूँगा इसको, कि अगर आप 100 बंदे को अगर प्लान दिखाते हैं जिसमें से 90% चांस है कि 50% जो 50 बंदे होंगे ना वो आपको ना बोलेंगे, जी हाँ दोस्तों ना बोलेंगे, और 50 बंदे जो होंगे, 50 बंदे होंगे वो आपको हाँ बोलेंगे, यस आई एम इंटरेस्टेड टेल मी द प्लान, लेकिन आपसे मिलेगा सिर्फ 30 बंदे ही, आपके बिजनेस को चुनेगा सिर्फ 30 बंदे ही, लेकिन उसमें से भी ज्वाइन करेंगे सिर्फ 15 बंदे। जी हाँ दोस्तों ये फैक्ट है, सिर्फ 15 बंदे ही ज्वाइन करेंगे, बट लेकिन काम करने की जब बात आई आपके टीम में हो सकता है कितने ऐसे होंगे जो आईडी तो बना ली लेकिन शॉपिंग नहीं की है, तो बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो मतलब एक आध बार शॉपिंग करके उस पर कहाँ चले गए पता ही नहीं चलेगा, आपको कॉल करो आप रिसीव नहीं करेंगे। तो ये 15 बंदे होते हैं, 15 में से 6 बंदे जो कंटिन्यू बेसिस पे आपके साथ काम करेंगे, हर महीना शॉपिंग करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो वर्निंग डिजायर वाले बंदे होंगे जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होंगी वो सिर्फ एक या दो होंगे। ध्यान दोस्तों, तो आप अब आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि हमें किस हिसाब से काम करना है, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा और लीडर टीम में निकालना है और कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कैटेगरी ए, यहाँ पर लिखा हुआ कैटेगरी ए के बंदे कैसे होते हैं, ये किसी भी चीज को क्विकली मतलब जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करते हैं, पैशन के साथ करते हैं,
किसी भी चीज को एक्टिव होते हैं, एक्टिव क्योंकि होते हैं, कुछ भी आप बताओ, आप बोलो कि सर 3 आपको मतलब डेली प्रैक्टिस करने, बोलो हो जाएगा सर, और वो करेगा टर्नेस के साथ, क्योंकि उनके पास वर्निंग डिजायर होता है तो ये करेगा। और ऐसे लोगों के साथ आप अपना टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम इन लोगों के साथ इनिशियली में आप दीजिए, इनके साथ आप गोल सेट कीजिए एंड इसे एक राइट वे बताइए पर्सनली। अगर आपको टीम में ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे, उनको आप डिवाइड कीजिए कैटेगरी ए बी डी, और मैं आपको बताऊंगा अभी एक एक के बारे में बता रहा हूँ कैसे आपको पता करना है कि कौन कैटेगरी ए कौन कैटेगरी बी का है। तो कैटेगरी ई के ए के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई भी चीज़ आप बोलोगे, बोलो हाँ सर मैं करता हूँ, आप कुछ भी बोलो बोलेगा करूंगा मैं, मुझे अपने सपने को पूरा करना है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। तो ऐसे बंदों के साथ आप इनिशियली में ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम बिताओ, अगर दूर है तो कॉल के थ्रू हो, जूम मीटिंग के थ्रू, जैसे हो, लेकिन उसको ज़्यादा आप टाइम दो, उनका एक गोल गोल सेट करवाओ, उनको आप पर्सनली गाइड करो, राइट। एंड इसको रिजल्ट जल्दी से जल्दी इनको अचीव करवाने के लिए कोशिश करो, इनकी हेल्प करो एंड इस राइट डायरेक्शन में इनको गाइड करो आप ऐसे बंदों को। एंड बी टाइप के कैसे होते हैं वो हम समझते हैं, कैटेगरी बी में कौन से बंदे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये प्रोमाइसिंग तो होंगे, आपसे वादा तो करेंगे कि सर मैं करूंगा ये बिजनेस, जैसे कि मैंने बताया था 15 ज्वाइनिंग होंगी जिसमें से 6 तो आपके साथ काम करने वाले, लेकिन और नहीं रहेंगे तो वो बी वाले रहेंगे, राइट। बी वाले बंदे जो रहेंगे ये आपसे प्रोमाइसिंग मतलब प्रोमिस तो करेंगे कि सर मैं करूंगा, बट एक्चुअली ये करेंगे नहीं, राइट। दे ज्वाइन टू विथ ए विलिंगनेस टू वर्क बट नेवर गेट ऑन टू द ग्राउंड, ये ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है ये खुद की शॉपिंग करेंगे, बट इनको आप बोलो लिस्ट बनाओ, ड्रीम लिस्ट बनाओ, ये करो, आप प्रोस्पेक्टिंग करो, बट ये करेंगे नहीं, बोलेंगे आपसे कि मैं करूंगा सर मैं करूंगा, बट ये करेंगे नहीं, ऐसे बंदे होंगे। तो ये आपको देखना है यहाँ पर, जैसा कि आप दिख रहे हैं, दे सीम टू बी एक्साइटेड बट डू नॉट गेट एक्टिव, ये एक्साइटेड भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे, बट एक्टिव नहीं होंगे खुद को, मतलब कि इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट या फियर रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इनके डाउट या फियर जो भी है इनको पता लगाना है और इनको क्लियर करना है, क्योंकि इनको क्लियर नहीं करेंगे तो आप ये प्रोस्पेक्ट को खो सकते हैं। इनको आपको कोशिश करना है कैटेगरी ए में लाने के लिए, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि इनके क्या डाउट है क्या फियर है, उनको फाइंड आउट करके उनको क्लियर करना है, खत्म करना है, राइट। आइडेंटिफाई हेल्प देम शिफ्ट आइदर टू कैटेगरी ए और सी। अभी बी देखो, बी बहुत डेंजर है, तो आपको बी में किसी बंदे को रखना नहीं, या तो ए में रखना है या तो सी में रखना है। मैं बताता हूँ सी होता क्या है, राइट। बी में रखेंगे तो नहीं, या तो ये ना तो कुछ करेगा, ना किसी को करने देगा, ना किसी को ये ज्वाइनिंग लगवाएगा, ना कुछ करेगा, तो ऐसे बंदे आपके किसी काम के नहीं। इसलिए इसका पता लगाना है क्या डाउट है क्या नहीं, और इनको मतलब ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर करना है, और आपको इसको कोशिश करना है कि अगर ये बिजनेस करने लायक हो या करने वाला हो तो इनको बेनिफिट बता के इनको कैटेगरी ए में लाना है, नहीं तो सीधा कैटेगरी सी में रख देना है आपको। अब कैटेगरी सी क्या होता है आइए आगे देखते हैं। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैटेगरी ए एंड बी, कैटेगरी ए और बी का कैसा कैसे पता लगा है वो हम बताते हैं आपको। देखो कैटेगरी बी के जो बंदे होंगे वो लगभग आपको कैटेगरी ए की तरह ही लगेंगे, अब कैसे करेंगे वो आइए नीचे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा लिखा हुआ है कि इट कुड बी समथिंग लाइक, जैसे विनय आई वुड वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम कोचिंग यू हाउ कैन यू सक्सीड इन योर बिजनेस, मतलब कि आप उस बंदे को बोलो, कुछ भी नाम है, मान के चलो यहाँ इन्होंने विनय लिखा है, तो मान के चलो उनका नाम विनय है, आपने उनको कहा कि विनय मैं आपको साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और आपको कोचिंग मतलब मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ कैसे आप इस बिजनेस में सक्सेस हो जाए, तो क्या आप रेडी है रोजाने का 2 घंटा देने के लिए या वीक का 36 घंटा ऐसे 3 से 6 महीना का आप देने के लिए रेडी हैं। अगर ये बंदा अनश्योर ना हो मतलब सुनिश्चित आपको नहीं करता हो या डिनाई करता हो तो समझ जाओ कि कैटेगरी बी का बंदा। अगर वो बोलता नहीं सर मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोलो मुझे क्या करना है, तो समझ जाओ ये कैटेगरी ए के हैं। लेकिन जो अगर आपको टाइम नहीं देना चाह रहा हो, मतलब उनको सफलता भी थी सक्सेस भी थी लेकिन टाइम नहीं देगा, मतलब ये कैटेगरी बी का बंदा है, राइट। और जो आपको अगर टाइम देने के लिए एग्री हो जाए मतलब वो कैटेगरी ए का है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते कौन कैटेगरी ए और कौन कैटेगरी बी का बंदा है, राइट। ट्राई टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, उनके जो जड़ है उनके जो कारण है किस वजह से वो नहीं करो उसका पता लगा, और जैसे कि मैंने बताया हो सकता है कुछ डाउट हो फियर हो वो पता लगाना है आपको, और फिर उनको मतलब जैसे कैटेगरी ए में शिफ्ट करना है या फिर कैटेगरी सी में, ध्यान रखो बी में नहीं रखना है, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है, राइट।
हमें कैटेगरी ए या बी वाले बंदे चाहिए, राइट। आइए देखते हैं, अब कन्वर्टिंग द बी कैटेगरी टू ई कैटेगरी, ए कैटेगरी, अब बी को ए में कैसे करें, यहाँ पर देखिए, ट्राई टू कीप दिस पर्सन इन बिटवीन द पीपल फ्रॉम कैटेगरी ए। अब ऐसे बंदे को कैटेगरी ए के बंदों से कैसे आप मिलाएंगे, आइए देखते हैं। मेक दिस पर्सन मीट विथ योर सक्सेसफुल अपलायन टू इंस्पायर हिम। हो सकता है आपके मतलब जो भी सक्सेसफुल मेंटर है, जो सक्सेसफुल अपलायन है, ऐसे बंदे को डायरेक्ट आप कनेक्ट करो जो कैटेगरी बी के है, ऐसे बंदे को कनेक्ट करो आप अपने सक्सेसफुल अपलायन के साथ और उनको कुछ स्टोरीज या एग्जाम्पल उनको सुनाओ या उनको दिखाओ या उनको बताओ, सो दैट वो मोटिवेट हो, राइट। इंट्रोड्यूस देम टू पीपल फ्रॉम कैटेगरी ए, आपके टीम में हो सकता है कैटेगरी ए के कुछ बंदे होंगे, उनकी भी स्टोरी बताओ, उनकी भी बातें उनसे शेयर करो कि देखो यार अपने ही टीम में कुछ बंदे और है जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, इतना बीवी बीवी कर रहे हैं, इतना प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कैटेगरी बी, सो दैट वो इंस्पायर हो वो कैटेगरी ए के, क्योंकि आप ही के टीम के हैं, आप अपने अपलायंस से मिलाओ, सक्सेसफुल अपलायंस कैटेगरी ए के बंदे से करो, राइट। हु आर एक्टिव एंड एक्साइटेड अबाउट द बिजनेस, जो कैटेगरी ए के एक्साइटेड है बिजनेस को लेकर, ऐसे ऐसे बंदों से आप इंट्रोड्यूस करवाओ। स्पेशली और देखो लोग ना एक दूसरे को रिलेट करना चाहते हो, आपके टीम में हो सकता है एक ही बैकग्राउंड के बहुत सारे बंदे होंगे, तो कुछ ए में भी होंगे कुछ बी में होंगे, तो कैटेगरी ए के मान के चलो अच्छा काम करे, कैटेगरी बी के जो काम नहीं करे आप कोशिश करो कैटेगरी बी को ए में लाने, तो उनसे रिलेट करवाओ, उनको बोलो देखो हमारी टीम में कुछ और बंदे हैं जो आप ही की तरह है लेकिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, राइट। हम आपको एजुकेट करेंगे, हम आपको कोचिंग देंगे, हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो कीप देम इनवाइटिंग टू बिगर इवेंट, आपके एरिया में कुछ भी बड़ा इवेंट हो रहा है, अभी मान के चलो कि ये अपना जूम मीटिंग चल रहा है, इसमें जो भी वेबिनार चल रहा है या मीटिंग चल रहा है, इसके थ्रू लोगों को कनेक्ट करना सबसे अच्छा तरीका है, कि जब तक आप माहौल नहीं बनाओगे तब तक आपके लीडर एक्टिव नहीं होगा। सो मैंने पढ़ा था या सुना था कल परसों ही कि सक्सेसफुल वही होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट को प्रमोट करेगा। इवेंट प्रमोट करने से आपके टीम में से जितना ज़्यादा बंदे इवेंट में ज्वाइन होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑफलाइन अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो जूम मीटिंग चल रहा हो या गो टू मीटिंग चल रहा हो या गो टू वेबिनार चल रहा हो, इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके आएंगे उतने ज़्यादा आपका चेक भी बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, राइट। तो हमें ऑलवेज फोकस करना इवेंट पे, क्योंकि इससे कैसा होता है कि एक माहौल क्रिएट होता है आपके एरिया में भी, अगर हो रहा है इवेंट ऑफलाइन अगर होता है सक्सेस सेमिनार या ऐसा कुछ भी, वहाँ पर लोगों को इनवाइट करना है, कैटेगरी बी के स्पेशली खास करके कैटेगरी बी के लोगों को तो और ज़्यादा करना है, राइट, करना तो वैसे सबको है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, कैटेगरी सी कैसे होते हैं। ऐसे प्रोस्पेक्ट जो होते हैं वो कंज्यूमर बेस्ड होते हैं, ये सिर्फ आपके साथ हो सकता है ये ज्वाइन तो करेंगे बट जस्ट प्रोडक्ट ही यूज करेंगे और बिजनेस आपके साथ नहीं करेंगे, आप कितना भी बोल दो नहीं करेंगे। सो ऐसे बंदे को सिर्फ आप अपने टच में रखो और इसको नए नए जो भी प्रोडक्ट आपके कंपनी में लॉन्च हो रहे हैं, इस बिजनेस में लॉन्च हो रहे हैं, वैसे प्रोडक्ट से उनको अवगत करवाओ, मतलब कि उनको बताते रहो, इन्फॉर्मेशन देते रहो, बस इतना ही काम, इससे ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना, सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इनको यूज करने दो, इनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहो न्यू न्यू प्रोडक्ट का, राइट। कीप प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल बिग कंपनी इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स, आपके एरिया में जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे मतलब जैसे कंपनी सक्सेस सेमिनार या ऐसा वीआईपी प्रोग्राम ऐसा कुछ भी होता है, तो ऐसे बंदे को इनवाइट करो, अभी जैसे जूम मीटिंग हो रहा है उस पर भी आप इनवाइट करो, भले वो कस्टमर है बट करो, हो सकता है आप करेंगे तो शायद उनका मतलब वो देख के वो इंस्पायर हो और हो सकता है वो आपका बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वेस्टेज में भी देखे हैं जो कंज्यूमर से कस्टमर से एक अच्छे बिजनेसमैन बने हैं, राइट, एक अच्छे यहाँ पे लेवल को अचीव किया है। तो ऐसे बंदे को भी हमें छोड़ना नहीं है, आप इसको टाइम टू टाइम आप इनको बताते रहो, राइट। दे मे कम टू एनी सच इवेंट एंड मे टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन, हो सकता है ऐसे बंदे को आप इवेंट में करोगे उनको कोई चीज़ अच्छा लगेगा और शायद ये डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया और ये एक बहुत ही अच्छा लीडर आपकी टीम में बन सकता है, राइट। इसको प्रोडक्ट पे बिलीव करवाओ, आइदर दे विल ज्वाइन इन फ्यूचर और मेक गिव यू गुड रेफरेंसेस, अगर कोई बंदे ज्वाइन भी नहीं होते लेकिन आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे, इसको इवेंट में आप बुला रहे हो, हर एक चीज़ आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, प्रोडक्ट पे बिलीव हो रहा है, तो मे बी ये आपको इन फ्यूचर आपको ज्वाइन कर सकता है या कुछ रेफरेंसेस आपको दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ रेफरेंसेस आपको दे सकते हैं इस बिजनेस के लिए।
सो आइए बात करते हैं कैटेगरी डी की, के डोंट टेक एनी एक्शन, मतलब इसका होना ना होना मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे बंदे सिर्फ नाम के मारे, नाम के लिए या तो ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे ज्वाइन, ज्वाइन भी रहेंगे तो कभी एक्टिव नहीं रहेंगे, एक्टिवली काम नहीं करेंगे, राइट। दे मे नाइदर यूज द प्रोडक्ट रेगुलरली नॉर ज्वाइन द बिजनेस, नेवर सीम टू बी एक्टिव इवन आफ्टर रिपीटेड फॉलोअप एंड रिमाइंडर। हो सकता है कि ऐसे बंदे रहेंगे, या आपने देखे होंगे जूम मीटिंग के लिए भी, कितने आपके टीम में होंगे जिनको आप बार 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 कॉल कर लो, जूम मीटिंग अटेंड करो या मीटिंग अटेंड कर लो, नहीं करेंगे, या फिर प्रोडक्ट यूज कर लो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, नहीं लेंगे। या हो सकता है कितने ऐसे न्यू प्रोस्पेक्ट होंगे जो आपको बोलेंगे कि यार मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, पार्ट टाइम में कुछ करना चाहता हूँ, बट अगर आप उनको अगर बोल रहे हो बिजनेस के लिए, कोई रिएक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं, उनको पड़ी नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको बोलो अटेंड करो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, बट वो नहीं करेंगे, ना प्रोडक्ट आपका यूज करेंगे। तो ऐसे बंदे भी रहेंगे आपको, ऐसे भी बंदे मिलेंगे, तो ऐसे बंदे को लिस्ट से आपको निकालना नहीं है, आपका जो लिस्ट है ऐसे बंदों की भी लिस्ट में रखना है, एंड इसे अपडेट करते रहना है आपके कंपनी के अचीवमेंट के बारे में। डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम ऑन देम, मतलब ऐसे बंदे को जस्ट अपडेट करना चाहे तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के आप उनमें उनको रख दो, ऐसे बंदे को कुछ ना कुछ अपडेट जाता रहेगा पर डे के हिसाब से, या वीकली में या मंथली में, अपने कंपनी का अचीवमेंट या खुद का अचीवमेंट, अपने टीम का अचीवमेंट उनको आप सेंड करते रहो, ताकि जाए ऐसे बंदों के पीछे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड बैक टू कैटेगरी ए, वेर यू कैन फाइंड देम, कहाँ से ये मिलेंगे, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये कैटेगरी ए के जो बंदे हैं कहाँ से मिलेंगे वो मैं बताता हूँ, ये तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मिल सकते हैं। कैटेगरी ए के बंदे को आप समझ सकते हो ये हॉटलिस्ट हैं, थ्रू रेफरल, रेफरल के थ्रू मिल सकते हैं विथ इन योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अगर आप एग्जिस्टिंग नेटवर्क का सेंस ये नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग, किसी नेटवर्क मार्केटिंग में थे वहाँ के कुछ बंदे आपको मिल जाएंगे, वैसा नहीं। यहाँ नेटवर्क का मतलब ये हो रहा है कि हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, या जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, या जिस जगह से भी हो आप, आपके मिलने जुलने वाले वहाँ के ये बंदे हो सकते हैं, विच वुड बी योर डाउनलाइन या डाउनलाइन डाउनलाइन, राइट। तो ऐसे बंदे को यहाँ से आपको मिल सकते हैं, दे आर योर रियल डायमंड, एक्चुअली यही है आपके डायमंड। तो ऐसे बंदे को ढूंढना है, और ऐसे बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, आपको ढूंढना पड़ेगा अपनी टीम में ऐसे बंदे कहाँ से मिलेंगे, राइट। ऐसे बंदे कॉन्टैक्ट के थ्रू, रेफरल के थ्रू, या आपके जो एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ आप कर रहे थे उसके थ्रू ये सारे बंदे मिल सकते हैं। इसको स्ट्रेंथ के लिए सारी चीज़ें बताइए, तो ये आपको डाउनलाइन या उनके डाउनलाइन के डाउनलाइन हो सकते हैं। यही एक्चुअली आपके डायमंड है, यही आपके एक्चुअली क्राउन है, डी यू सी डी, सब कुछ यही है, और यही आगे चल के बनेंगे, राइट। रिमेंबर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड प्रिजर्वनेस टू फाइंड योर कोर टीम। आपके कोर टीम के लिए ये सारी चीज रिक्वायर है कि आपको इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ है, इस बिजनेस में आपका पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस जुनून, जिसके पास नहीं है सॉरी वो ये बिजनेस नहीं कर सकता, जी नहीं कर सकता। हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, बट एक्चुअली यही फैक्ट है, अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप ये बिजनेस कर सकते हो, यहाँ दोस्तों तो ही आप ये बिजनेस कर सकते हो, जुनून हो, एक बर्निंग डिजायर हो तो ही कर सकते हो, डिजायर वो होनी चाहिए, राइट। जब तक उस चीज़ को अचीव ना कर लो आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है, राइट। डिजायर ड्रीम वो होता है, जैसा कि नवाजुद्दीन की सिद्दीकी के पास था, राइट ब्रदर्स के पास था, इलॉन मस्क के पास था, ऐसे जितने भी सक्सेसफुल बंदे उसके पास एक राइट एटीट्यूड और राइट फोकस के साथ वो काम कर रहा था। ऐसा आपके पास रहेगा पेशेंस के साथ करे हुए, क्योंकि देखो आप कितनी बार भी फेल हो जाओ, अगर आपका राइट फोकस है और आपका अगर ड्रीम है तो आप एक्चुअली फेल नहीं हो रहे हो, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, राइट। हर बार आप कुछ ना कुछ नया कर दो और वो आपने इम्प्रूवमेंट आती जाती है, और एक ना एक दिन आप सक्सेस हो के रहोगे अगर आपने इस तरीके से काम किया तो। एंड इफेक्टिव डुप्लीकेशन क्या है, ऑलवेज मैं कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ ज्वाइनिंग पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, दो से तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट रिक्रूट पीपल, दूसरा ट्रेन पीपल। जब तक आप लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ रिक्रूट करते रहना है, जो आगे आ रहा है पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है पीछे जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना। जो आ रहा है उनको ट्रेन करना है, जो आ रहा है उनको ट्रेन करना है, जब वो फुल्ली ट्रेन हो फिर दूसरे को रिक्रूट करना, नहीं तो तब तक रिक्रूट नहीं करना,
जब तक कि जो है अभी, सपोज आपके 6 बंदे आपने एक महीने में कर लिया, आपने 6 लेग आपने बनाए, अभी 6ों को पहले आप ट्रेनिंग दो, अच्छे से सारी चीजें सिखाओ बताओ, सो डेट वो भी रिक्रूट कर सके और वो भी फिर उनको आप ट्रेन कर सके, राइट। तो ट्रेनिंग कोचिंग बहुत जरूरी है, फिर फॉलो अप उसका करते रहो। रिमेंबर राइट एक्शन विल डुप्लीकेट 50%, रॉन्ग एक्शन विल डुप्लीकेट 200%। यहाँ दोस्तों साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपको ना राइट डुप्लीकेट अपने टीम को सीख, सॉरी वो एक कॉल आ गया था, राइट। सो आइए नीचे देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू लीडर, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मेक देम अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायर्स। ये सारी चीजें ना उसको आपको बतानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, ये सारी चीजें, एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच, ये सारी चीजें आपको आपके लीडर को सिखानी पड़ेगी। चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसको, गाइड देम हाउ टू फिल देयर फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो जो आपके पास ज्वाइन होते हैं उसको एवरीथिंग, हर एक चीज आपको सिखाना पड़ेगा, कैसे वो ज्वाइन कर सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे लोगों को करवा सकता है, कैसे वो ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है, ऑफलाइन दे सकता है, सारी चीजें बतानी पड़ेगी। कैसे DF फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं वो बतानी पड़ेगी, फर्स्ट ऑर्डर वो कैसे खुद से करे या उनसे करवाइए वो सिखानी पड़ेगी, राइट। उनके पास टोल फ्री नंबर, SMS नंबर जो कंपनी के होते हैं, जैसे मिस कॉल नंबर होता है जिससे आप ID पासवर्ड जान सकते हैं, अपना DBT भी जान सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें, कभी नेट काम नहीं करते तो आप मिस कॉल मार के SMS के थ्रू ये सारी चीज़ें जान सकते हैं, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनको आपको बताना पड़ेगा, राइट। ये सारी चीज़ें, वेस्टिज ऐप को कैसे यूज़ किया जाए, डाउनलाइन अपलाइन कहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि जब तक आप उनको सारी नॉलेज देंगे नहीं वो बार बार आपको कॉल करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, जिससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आप ना दूसरे को फोकस नहीं कर पाओगे ज़्यादा, राइट। तो हमें ना लीडर बनानी है, हमें ना लीडर बनानी, फॉलोअर नहीं बनानी। लीडर कैसे बनेगा कि उनको हर एक चीज़ सिखाओ, राइट। सीखने से हर एक चीज़ होता है, उनको 2 दिन टाइम दो, 10 दिन दो, लेकिन उनको सारा चीज़ खुद से करना सिखाओ। कब तक आप ही उनको सिखाते, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि लोगों को लीडर बना के छोड़ दो, ताकि ना वो आपके आपके भरोसे बैठा नहीं रहे। पता चला कि मान के चलो वो आपके भरोसे हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी आप ही करते हो उनके, प्रॉब्लम क्या होगा कि कल को मतलब आप किसी सामने बिजी रहो, उनके जो बंदे रहेंगे वो उनकी ज्वाइनिंग नहीं लगा पाएगा, उसके चक्कर में मतलब 2 दिन 1 हफ्ता लेट हो जाएगा, हो सकता है वो बंदे को उस बीच में किसी और टीम या किसी और बंदे ने अप्रोच कर लिया, वो उनके साथ ज्वाइन है, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड, तो वो जा सकता कहीं भी। तो आपको आपके बंदे को हर एक चीज सिखाना पड़ेगा, तभी होगा। हाउ टू फर्स्टली तो वैसे के सारे टूल्स एंड वो सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, कैसे हम ज्वाइन करवा सकते वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा हाउ टू इन्वाइट, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू प्रोस्पेक्ट, एंड सब कुछ होना चाहिए उनके पास, क्योंकि जब तक नहीं होगा वो आगे नहीं कर सकता कुछ भी, राइट। वो खुद पे डिपेंड नहीं रह सकता है। तो एवरीथिंग यू हैव टू टीच एवरीथिंग, उनको हर एक चीज सिखाना पड़ेगा, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू लीडर, सिट विद देम एंड क्लियर देयर डाउट्स एंड क्वेरीज। उनके साथ बैठ के ईच एंड एवरीथिंग, हर एक डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। उनके साथ बैठ के आप उनको एक सक्सेसफुल स्टोरी उनको सुनाओ, अपने अपलाइन की सुनाओ, सो डेट वो मोटिवेट। थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचो, नेटवर्क मार्केटिंग बिग, बड़ा सोचना है। ऐसा नहीं कि यार हम 10-15 हज़ार, 10-15 हज़ार के लिए अगर आप आए हो तो नेटवर्क मार्केटिंग, तो आस्क देम अबाउट योर ड्रीम, उसके ड्रीम के बारे में पूछो। रिमेंबर नीड्स डू नॉट मीन ड्रीम, यू कैन इंस्पायर समवन ओनली टुवर्ड देयर ड्रीम। उनको इंस्पायर करो, उनके ड्रीम की रियलिटी बताओ, कितना बड़ा उनका ड्रीम है, वो कैसे उसको फोकस कर सकता है, कैसे अचीव कर सकता है, वो सारी चीज़ें उनको आप सिखाइए। यहाँ दोस्तों उनको सारी चीज़ें वो सिखाइए, मेक देम बिलीव दैट इज ए पॉसिबल, राइट। देखो जैसा कि हमने इससे पहले भी ड्रीम पे हम बात किए थे कि ड्रीम वो हो जो प्रेजेंट में आपको लगता हो कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट, बट आप उनको रियलाइज करवाओ, बिलीव करवाओ कि ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इन फ्यूचर, यस।
ये पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है, ये चीज उनको रियलाइज करवाना होगा, ये चीज उनको बताना होगा, राइट। उसके साथ बैठ के डिस्कस करके सारी चीजें करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जैसा लीडर आप चाहते हैं वैसे लीडर आपके वो बनेंगे, फिर वो भी अपने टीम में वैसे क्रिएट करेंगे, राइट। क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप बताते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो आप अगर आप एज ए अपलाइन अगर जो चीज करते हो आपकी टीम भी वही डुप्लीकेट करेगी, टीम वो नहीं करेगी जो कंपनी बता रही, टीम वो करेगी। ऐसे बहुत कम बंदे मिलेंगे जो अपने हिसाब से या फिर खुद मतलब ऐसे फॉलो करेंगे जो राइट थिंग है, नहीं तो लोग उसको फॉलो करेंगे जो उनके अपलाइन करते हैं, राइट। तो हमें वो चीज़ का ख्याल रखना, देखना, हमें खुद एक बेटर लीडर बन के दिखाना है ताकि हमारे टीम में भी लीडर क्रिएट हो, राइट। हेल्प देम सेट ए शॉर्ट टर्म गोल फॉर देयर बिजनेस, आपके इस बिजनेस के लिए, जैसा कि हमारी डिस्कस हुई थी कल भी, मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि आपको ड्रीम सेट करना है एटलीस्ट 6 महीने तक का, 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं। मैंने कुछ बंदों से बात भी किए थे कि आपको कैसे ड्रीम सेट करना, ड्रीम सेट करेंगे तभी आप काम कर सकते हैं, राइट, अलोंग विद द नेक्स्ट 1 मंथ एक्शन प्लान। और आपको एक्शन भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अपना ड्रीम लिस्ट बना लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है, आपको एक्शन भी करना है, नहीं तो फिर वो मतलब नहीं बनता वो ड्रीम का। ऑलवेज लीड बाई एग्जाम्पल, शो देम व्हाट यू वांट देम टू डू, हमेशा उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, वो उसको दिखाओ कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, राइट। मेक देम अवेयर, मेक देम ए पार्ट ऑफ रेगुलर कंपनी सिस्टम कोड ट्रेनिंग सेमिनार, कितनी बार भी हमारी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने तो सीपी अटेंड किया यार, मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ तो रोजाना दिखाते हैं यार, सक्सेस सेमिनार एक ही चीज़ तो है नहीं। दोस्तों आपके एरिया में जो भी बड़ा सेमिनार होता है या जो भी होता है बड़े लीडर के द्वारा, वो आपको देखना है या जाना है वहां पे, और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में से लोगों को लेके जाना है, कंपनी का टूल को दिलवाना है, कंपनी के जो भी ट्रेनिंग होते हैं लाइक CNT हो, VIP हो, VLC हो, कुछ भी हो, वहां उनको जाना चाहिए, राइट। आप सुनिश्चित करो कि उनके पास बिजनेस स्टार्टर किट हो एंड हेल्प देम हाउ टू यूज इट, और कैसे वो स्टार्टर किट के थ्रू वो कैसे मतलब लोगों को प्लान दिखा सकते, वो भी आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्रिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूल्स एंड रेगुलर नॉलेज इन्हेंसमेंट, आपको टूल्स के इम्पोर्टेंस उनको बताने पड़ेंगे, नॉलेज, ताकि उनका रेगुलर नॉलेज कैसे बढ़ता रहे ये चीज उनको बताना। वॉइस मैगजीन है जिसमें सक्सेस स्टोरी लोगों के रहते हैं, कार बुक है, ये सारी चीजें उनको दिखाना पड़ेगा, सो दैट उनका ना बिलीव बने, राइट। यूजिंग अ वीडियो एंड रीडिंग बुक, आपको एक बिजनेस है जो आपके बिजनेस में हेल्पफुल हो, राइट, आपके जो बिजनेस में हेल्पफुल हो वो वीडियो उनको भेजना है, सो दैट उनका बिजनेस और बढ़ सके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है, डेली कम से कम आपको 15 मिनट तो बुक पढ़नी है, या दोस्तों 15 मिनट एटलीस्ट बुक तो आपको पढ़नी ही है, क्योंकि इससे आपके नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि जितने भी आप सक्सेसफुल लीडर देख लो, चाहे वो बिल गेट्स ले लो, वॉरेन बफेट ले लो, या जितने वर्ल्ड के बड़े बड़े सक्सेसफुल बंदे हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं, बट हम पढ़ने से पीछे हटते हैं, या दोस्तों। तो हमें पढ़ने से पीछे नहीं हटना, हमें अपने टाइम में से टाइम निकालना। नेटवर्कर वो होता है जो हमेशा कभी भी खाली नहीं बैठता, या दोस्तों नेटवर्कर कभी भी खाली नहीं बैठता, या तो वो प्रोस्पेक्टिंग करता रहेगा, या तो कोई मीटिंग अटेंड करता रहेगा, या कुछ वीडियो देखता रहेगा, या तो फिर बुक पढ़ता रहेगा, राइट। अगर कुछ नहीं है काम, तो डायरेक्ट वो अपने डाउनलाइन या अपने जो भी बंदे हैं अपने टीम में के बंदे लोग को कॉल घुमा के उनसे बात करता रहेगा, नेटवर्कर कभी बैठता नहीं है, राइट। तो आपको एक लीडर बनना है, तो लीडर वो होता है, राइट। इस चीज़ को फॉलो करें अपने टीम में, इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनके पास क्या क्या टूल्स हैं, नहीं है, नहीं है तो उनको दे, राइट। इससे बिजनेस ऑफ लर्निंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग, जैसे कि मैंने बताया था, ये बिजनेस ही है लर्निंग का, ट्रेनिंग का एंड कोचिंग, राइट। मेक देम अंडरस्टैंड, ये चीज़ उनको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, राइट। कमिटमेंट होनी चाहिए, ये सब वर्क करेगा आपको कैटेगरी ए वाले बंदे पे, तो आपको सारे बंदे को कोशिश करना है कैटेगरी ए में लेके आने का, राइट। इफेक्टिव कोचिंग, शो देम हाउ टू प्लेस ऑर्डर, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, कि कैसे ऑर्डर दिया जाए वैसे सिखाना है आपको। हाउ टू शेयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लोगों को कैसे शेयर करना है वो ही बताना है। गिव देम ए टास्क ऑफ मेकिंग इनिशियली लिस्ट ऑफ मोर देन 200 पीपल एंड गिव देम टिप्स टू कीप एक्सपेंडिंग इट,
आपको कम से कम जो लिस्ट है ना, जैसे कि मैंने बताया लिस्ट, लोग बोलते हैं यार मेरे पास तो 85 बंदे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग अपना अपना मोबाइल अभी चेक कीजिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए, आपके कम से कम 100, 200, 500 बंदे से कम नहीं होंगे, राइट? कहीं ना कहीं उनको तो जानते हैं। हम बोलते हैं हमारी लिस्ट ही खत्म हो गई। दोस्तों लिस्ट खत्म नहीं हुई है, आप अपने माइंड को थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ, उस पर जोर दो, आपके लिस्ट खुद ब खुद निकलेंगे। पहले से प्री जज मत करो किसी भी चीज को, तो अपने लिस्ट को एक्सपेंड करो, राइट? आपके घर में अगर शादी होती है, 200 बंदे कहाँ से आ जाते हैं? यहाँ दोस्तों कहाँ से आ जाते हैं ये 200 बंदे, 500 बंदे? कहीं ना कहीं तो आप जानते हैं ना, जब वो आपको जानते हैं, राइट? तो आपका लिस्ट एटलीस्ट 100 बंदे का तो होना चाहिए, जहाँ से आपको 6 बंदे मिल जाए, राइट? जैसा कि मैंने इससे पहले वाली स्क्रीन पे दिखाया था। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम 20 लिस्ट बनाते हैं, 20 बंदों का नाम बनाते हैं। अब उसमें से कैसा होता है, अगर हमने हमें अगर 10 बंदे ने ना बोल दिया, हम बोलते हैं यार सबने तो ना बोल दिया। लेकिन सोचो अगर आपके पास 100 बंदे का लिस्ट रहे, 100 में से अगर 10 ने ना भी बोल दिया, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है यार अभी 90 बंदे तो बाकी है, राइट? तो ये चीज करना है, और पर डे हमें कोशिश करना है एक एक ऐड करते जाना है अपने लिस्ट में। यहाँ दोस्तों एंड शो देम हाउ टू इन्वाइट देम फिक्स पॉइंट में। यहाँ दोस्तों अपने लीडर को, अपने टीम में जो भी बंदे, उनको ये भी सिखाना है कि हाउ टू इन्वाइट एंड हाउ टू फिक्स अपॉइंटमेंट, या अभी जैसे जो दौर चल रहा है, अभी जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से हाउ टू इन्वाइट एंड हाउ टू इन्वाइट फॉर वेबिनार। यहाँ दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, हो सकता है आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, राइट? तो कैसे आप इन्वाइट करके वेबिनार के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, राइट? वेबिनार के बाद कैसे फॉलो अप कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी होगी। सो देम हाउ टू कंडक्ट होम मीटिंग। जिसके जितने ज्यादा होम मीटिंग होते हैं, उसका बिजनेस उतना ज्यादा फास्ट मूव होता है। होम मीटिंग पे ज्यादा फोकस करना है, वन टू वन मीटिंग पे भी फोकस करना है। ये सारी चीजों को जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। पिच देम हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन एंड क्लोज द डील इफेक्टिवली। आपको अपने लोगों को ये भी सिखाना है कि कैसे अपना ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, कैसे वो, देखो हर कोई ज्वाइन करना चाहता है, उनके मन में डाउट रहते, अगर आपने डाउट को क्लियर कर दिए तो वो ऑब्वियसली आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ भी लॉ ऑफ एवरेज आएगा, हो सकता है आपके माइंड में आ रहा होगा, तो लॉ ऑफ एवरेज यहाँ भी आएगा, बट आपको अपना 100% देना है, बेस्ट देना है, राइट? तो ऑब्जेक्शन आपको सीखना पड़ेगा, कितने तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं वो सारी चीजें खुद सीखना होगा, अपने टीम को सिखाना होगा, राइट? मेक देम टू देम एट देयर ओन आफ्टर 2 or 3 सेशन। पहले तो खुद से उनको सारी चीजें सिखाइए, उनके साथ आप मीटिंग कीजिए। जैसे कि मेरा सिंपल सा उसूल है कि अगर आपके साथ अभी से आप सब कोशिश करो, जितने भी लीडर आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हो ये सेशन को, आप सब कोशिश करो कि अभी से ये जो लॉकडाउन अगर खत्म होगा और वन टू वन अगर आप किसी से अगर मिल रहे हो, अगर कोई आपके आसपास है लीडर, आपके दूर अगर नहीं है, तो कोशिश करो उनके साथ 5 मीटिंग खुद करने का, 5 मीटिंग उनके साथ जाओ, लेकिन उनको बोलो बोलने के लिए, भले वो बंदे ज्वाइन करें या ना करें, और 5 मीटिंग उनको अकेले बोलो करने के लिए, राइट? उनको सिखाओ, उनके साथ 2-3 सेशन करो, राइट? उनके साथ रिहर्सल करवाओ, सो दैट वो एक्सपर्ट हो सके, राइट? मेक देम ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये सारी चीजें उनको सिखाओ। आप लोग चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये मैं देता हूँ 15 सेकंड, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव फॉलो अप। अगर फॉलो अप, आपके बिजनेस का 80% काम फॉलो अप करता है, 20% आपका इनवाइट और प्लान जो भी आपने दिखाया। डिफाइन एंड फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम डे वन। डे वन से अगर कोई बंदे ज्वाइन होते हैं, तो आप उनको सिखाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिया जाए, उनको वो सारी चीजें सिखाओ। डिफाइन टारगेट विद म्यूचुअल कंसेंट। आप उनके जो टारगेट थे उनको बताओ, डिफाइन करवाओ कि कैसे वो कर सकते हैं, राइट? टाइमली फॉलो अप कैसे ले सकते हैं, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फॉलो अप जो होता है ना, वो विद इन 24 आवर लो किसी का भी। जैसे आप वेबिनार अगर दिखाते हो ना, अगर वेबिनार में किसी आपके कोई बंदे अगर बैठते हैं, 7:30 बजे का वेबिनार है, 8:30 बजे तक लोग बैठते हैं, राइट? तो आप 8:30 या 9 बजे तक खत्म होता है, तो कोशिश करो 9 बजे के बाद उनसे बात करने का। अगर नहीं कर सकते तो सुबह होके आप उनको कॉल करो, उनसे पूछो बिजनेस कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा। This conference will now be recorded.
अगर कुछ भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, अगर उनको कुछ डाउट है, वो सारी चीज़ें हेल्प करो और उनके वो सॉल्व करो आप, राइट। एंड सपोर्ट दो आप उनको ताकि उनका बिजनेस बढ़ सके, राइट। अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज देम, अगर वो कुछ बेटर करता है, छोटा से छोटा अचीवमेंट होता है उनका, राइट। अगर वो किसी की ज्वाइनिंग करवाता है या फिर अगर वो कोई लेवल अचीव करता है, चाहे वो 5% से 8% से 8% से 11 होता है, कुछ भी होता है, उनके अप्रिसिएट करो, उनको रिकॉग्नाइज करो अपने मीटिंग के थ्रू या अपने जो भी आपके नियर बाई एरिया में होती है, तो वो सब करो। ये एक हैबिट बनाओ सो दैट वो भी अपने टीम के साथ वो कर सके, राइट। वाइल डूइंग फॉलो अप में आवश्यक क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आस्क देम फॉलोइंग क्वेश्चन ड्यूरिंग योर सेशन, व्हाट वेंट गुड, मतलब क्या अच्छा था, व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम इट, इससे वो क्या सीखा, राइट। इस तरीके से जो फॉलोअप है वो चीज़ आप उनसे पूछ सकते हो, है ना, आपको क्या अच्छा लगा, है ना, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट, इफ वी आर डूइंग इट अगेन व्हाट कैन वी डू डिफरेंटली, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मेन लर्निंग पॉइंट ऑफ टुडे और लास्ट वीक। मतलब ये सारी चीज़ें आप अपने लीडर से जो फॉलोअप करते हो या फिर जो नए प्रोस्पेक्ट आप उनसे पूछ सकते हो, और भी बहुत तरीका है फॉलोअप करने का। आपको हम अभी जो हम आपने हमारा वेबिनार देखा, इससे सबसे अच्छा आपको क्या लगा, राइट। फिर जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, जो भी चीज़ आती है, उनका सॉल्व करें, राइट, उनको बताइए। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो, ओनली गोल इज टू हेल्प देम बिकम इंडिपेंडेंट। ये सब कराने का मतलब एक ही है कि आपको इंडिपेंडेंट